नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार सरकार की एक ऐसी योजना के बारे में जिसमें बरसात को लेकर अभी से ही जो है ध्यान दिया जा रहा है। बिहार सरकार अभी से ही बाढ़ से निपटने को लेकर तैयारियों में जुट गई है। इस तरह अगर हम कह लें तो बिहार सरकार छोटी छोटी नदियों को जोड़ने पर विचार किया जा रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि बाढ़ के समय इन नदियों में जल संरक्षित किया जाएगा और यह सिंचाई के काम में इस्तेमाल किया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि गंगा का पानी पाइप के जरिए राजगीर, गया, बोधगया और नवादा पहुंचाने की परियोजना को समय सीमा के अंदर ही पूरा करें। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि 7 निश्चय के अंतर्गत हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए योजनाबद्ध ढंग से काम करें। इस दौरान जल संसाधन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने अपने प्रेजेंटेशन में कहा कि जल संसाधन विभाग की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर कार्य प्रगति में है, यानी कि कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि सिकहरना नदी के दाएं तरफ तटबंध निर्माण का कार्य जो है वो जारी है। बख्तियारपुर में गंगा नदी की धार को पुनर्स्थापना का काम जो है वो चल रहा है। टाल विकास योजना, कोसी मेची लिंक योजना, उत्तर कोयल जलाशय परियोजना और उत्तर बिहार की बाढ़ और जल जमाव की समस्या, दक्षिण बिहार की सिंचाई एवं बाढ़ की समस्या, गंगा जल उद्वय योजना सहित हर खेत तक सिंचाई के पानी पहुंचाने की योजना की अद्यतन स्थिति की जानकारी जो है वो इस दौरान दी गई। साथ ही साथ उसके विकास योजनाओं को लेकर भी बताया गया कि अभी जो है इसके वर्तमान अपडेट क्या है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि 7 निश्चय 2 के अंतर्गत हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए योजनाबद्ध ढंग से आप कार्य करें। उन्होंने कहा कि छोटी छोटी नदियों को जोड़ने की योजनाएं हैं, इसको लेकर व्यवहारिक आंकलन कराएं, यानी कि जो वस्तु स्थिति है और उसमें किस किस तरह की समस्याएं आ सकती है, इन सारी चीज़ों का जो है इस दौरान जिक्र किया गया। छोटी नदियों के आपस में जुड़ने से जल संरक्षित होगा और इससे लोगों की सिंचाई कार्य में सुविधा होगी। नदियों में गाद की समस्या से समाधान को लेकर गाद प्रबंधन के लिए भी काम करने की बात जो है वो कही गई। उन्होंने कहा कि सभी परियोजनाओं को तय समय पर ही पूरा कराएं। श्री नीतीश कुमार ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक योजना यह भी है कि जिसमें कि राजगीर, गया, बोधगया और नवादा में गंगा के जल को पहुँचाने की बात कहते रहे हैं। इस योजना के साथ साथ यह भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से बड़ी नदियों में बाढ़ आती है और वह तबाही मचाती है, इसका भी हम कैसे जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, उस बाढ़ के पानी का हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको लेकर सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि छोटी छोटी नदियों को जो है हम आपस में जोड़ेंगे, जिससे कि हम जल का जो है संरक्षण कर सकें और उसी जल से जो है हम सिंचाई के कार्यों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इन छोटी छोटी नदियों को जो है हम आपस में जोड़कर जल को संरक्षित कर सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने एक दूसरी जो अहम चीज़ है वो कही जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि जल को बिहार में जो है कैसे संरक्षित किया जाए, इसको लेकर कुएं और तालाबों को लेकर जो है सर्वे का काम जारी है। और इसमें कहा जा रहा है कि हम जितने से ज़्यादा हो सके कुएं और तालाबों को संरक्षित कर सकें, या फिर जो है अगर सरकारी ज़मीन है तो वहाँ पे हम नए तालाब या फिर नए कुएं हम कैसे बनवा सकते हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर भी लगातार जो है काम चल रहा है। तो ऐसे में जल संरक्षण को लेकर भी बिहार सरकार काम कर रही है। दूसरी जो अहम चीज़ जो हमने आपको पहले बताया कि छोटी छोटी नदियों को जोड़कर जो है जल संरक्षण का काम किया जा सकता है। साथ ही साथ बरसात के दिनों में जो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है, उस दौरान जो है बहे हुए पानी को हम कैसे बचा सकते हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर जो है बिहार सरकार लगातार काम कर रही है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में हम यह देखेंगे कि कैसे जो है गंगा गया तक पहुँच जाएगी, नालंदा तक पहुँचेगी, राजगीर तक पहुँचेगी और नवादा तक पहुँचेगी। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।